नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल पांडे। अभी तक दुनिया भर को ओमिक्रॉन से मुक्ति नहीं मिल पाई है। कोरोना के एक और अब नए वेरिएंट डेल्टामिक्रॉन ने सबकी चिंता बढ़ा दी है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि यूरोप और अमेरिका में केस बढ़ने के पीछे डेल्टामिक्रॉन वेरिएंट ही है। मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि कोरोना के डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट के म्यूटेशन से नया वेरिएंट डेल्टामिक्रॉन बना है। यही वेरिएंट अमेरिका और यूरोप में तबाही मचा रहा है। डेल्टामिक्रॉन कोरोना वायरस का नया वेरिएंट नहीं है। इसमें डेल्टा और ओमिक्रॉन स्ट्रेन एक साथ मिलकर कोविड-19 के मामले बढ़ा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार आंकड़े बताते हैं कि ओमिक्रॉन अमेरिका में ज्यादा प्रभाव वाला वेरिएंट है। वहीं सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का कहना है कि अमेरिका में बीते महीने डेल्टा वेरिएंट 99.5% से ज्यादा मामलों का जिम्मेदार था। वहीं मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में ओमिक्रॉन के चलते एक मौत भी हो चुकी है। हालांकि एक्सपर्ट का कहना है कि अभी तक इस बात के सबूत नहीं मिले हैं कि डेल्टा और ओमिक्रॉन से मिलकर डेल्टामिक्रॉन वेरिएंट बना है। अभी तक जो डेटा मिला है उससे ओमिक्रॉन वेरिएंट का पता चला है। रिसर्च में पता चला है कि यह काफी संक्रामक है। कोरोना का वेरिएंट लगातार म्यूटेशन कर रहा है। ऐसे में दो या इससे अधिक वेरिएंट मिलकर नया वेरिएंट बना सकते हैं। अभी तक 30 से ज्यादा म्यूटेशन सामने आ चुके हैं। एक्सपर्ट का ये कहना है कि हम अभी से ये भी नहीं कह सकते हैं कि कोई वेरिएंट कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इसके लिए समय का ही इंतजार करना पड़ेगा। सिर्फ समय ही बताएगा कि कोरोना का कौन सा वेरिएंट पिछले वेरिएंट की तुलना में कितना ज्यादा घातक और खतरनाक है। अभी तक भारत में डेल्टामिक्रॉन के मरीजों की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये भारत के लिए कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है इसे भी समझना बेहद जरूरी होता है। रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर्स का कहना है कि कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग, बुजुर्ग और गंभीर बीमारियों का शिकार लोगों को डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने का जोखिम ज्यादा है। जानकारों का कहना है कि कम टीकाकरण दर वाले इलाकों में भी इसका जोखिम है। हालांकि स्वास्थ्य जानकारों की राय इस बात को लेकर बटी हुई है और दोनों वेरिएंट मिलकर एक सुपर स्ट्रेन तैयार कर सकते हैं। कुछ शोधकर्ताओं ने यह भी चेतावनी दी है कि ऐसा कॉम्बिनेशन होना बहुत दुर्लभ है, लेकिन ऐसा मुमकिन है और अगर ऐसा होता है तो इससे निपटने के लिए हमें तैयार रहना होगा। इधर भारत में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। गुरुवार को तमिलनाडु में सामने आए 33 नए मामलों के साथ आंकड़ा 300 के आसपास पहुंच चुका है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक ओमिक्रॉन देश के 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार लोगों को अलर्ट करने के लिए चिता रहा है। राज्यों को हिदायत दी गई है कि जरूरी होने पर नाइट कर्फ्यू जैसे कदम उठाए जाएं। केंद्र ने भी राज्यों को चिट्ठी लिखकर कहा है कि जिस जिले में 10% से ज्यादा संक्रमण दर है वहां कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं। इसके साथ ही शादियों और अंतिम संस्कार जैसे कार्यक्रमों पर भी लोगों की संख्या पर कमी के लिए सख्ती बरती जाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।